अक्रब और कौस का साथ। अक्रब का आंसर पानी और सजिटेरियस का आग है। गोया ये आग और पानी का खेल है और इल्म नजूम के कवाद की रूह से ये तहवीली बुर्ज है। दोस्ती या दुश्मनी बहम नहीं रखते। कौस अक्रब से दूसरा और अक्रब कौस से बारहवां बुर्ज है। स्कॉर्पियो एक सजिटेरियस के लिए रूहानी जज्बाती और जिनसी कशिश का बायस होगा, जबकि सजिटेरियस एक स्कॉर्पियो के लिए माली और माशी फवाइद के अतबार से पुरकशिश होगा। स्कॉर्पियो के दिल में ये शक घर कर सकता है कि ये तीरंदाज कौस शायद मतलून मिजाज और दिखावे की मोहब्बत करने वाला है। जब इसे ऐसा महसूस हो तो फिर वो इससे दूर भागेगा। दूसरी तरफ सजिटेरियंस को शायद स्कॉर्पियो का अपनी ज़ात के खौल में सिमट कर बैठना और इसकी हद से बड़ी हुई हासदाना तबीयत की वजह से घुटन का एहसास होने लगेगा। ऐसी सूरत में वो भी स्कॉर्पियो से दूर भागने की कोशिश करेगा। सजिटेरियंस की शख्सियत आज़ाद और हंसी मजाक की होती है, जबकि स्कॉर्पियो शख्सियत ताल्लुक में गहरी संजीदगी और शिद्दत चाहती है। ये दो मुतजाद कैफियत में अगर यकजा कर दी जाए तो नताइज के बारे में कोई खुशगुमानी नहीं रखनी चाहिए। स्कॉर्पियो और सजिटेरियस दोनों को सेहत के बारे में ज़्यादा तशवीश रहती है, लिहाजा ये दोनों अक्सर मुख्तलिफ अवारिज़ या ख़ुद को ज़्यादा अरसे तक जवान रखने की तरकीबों पर तबादला ख्याल में मसरूफ़ पाए जा सकते हैं। बस यही एक कदर मुश्तरक दोनों में नज़र आती है। सजिटेरियस की फितरत में खुश मिजाजी और हंसना और हंसाना है, इसलिए वो शिकस्त में भी दुख महसूस नहीं करता, जबकि स्कॉर्पियो के अंदर शिकस्त को बर्दाश्त करने का मादा बिल्कुल नहीं है। ये अंदेशा मौजूद है कि स्कॉर्पियो की मुतजस्सिस तबीयत सजिटेरियंस की खुश मिजाज और आज़ाद मंच हस्ती कहीं टुकड़े टुकड़े ना कर दे।